मैंने बैंक खाता खुलवाना था, मैंने विदेश जाना था, मैंने प्रॉपर्टी परचेज करनी थी, मैंने गाड़ी खरीदनी थी। जहां जाता हूं पैन मांगा जाता है, परंतु पैन तो है ही नहीं। कैसे प्राप्त करूं इंस्टेंट पैन, अभी चाहिए? तो दोस्तों समाधान है, समाधान है। भारत सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था जारी कर दी है कि आप कुछ क्लिक्स में 10 मिनट के अंदर अपना पैन परमानेंट अकाउंट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे जानते हैं आज के वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं मनोज लांबा, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैसे पाए पैन 10 मिनट में, इसके लिए आपको जाना होगा इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो सेकंड टैब नजर आ रहा है, इंस्टेंट पैन विद आधार। जी हाँ, इंस्टेंट पैन विद आधार। इस टैब पे आपको क्लिक करना है, अपना पैन आधार नंबर डालना है और कुछ ही क्षणों में आपके पास होगा आपका पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या चाहिए इस इंस्टेंट पैन के लिए? कोई फोटो नहीं चाहिए, कोई आधार नहीं चाहिए, कोई और केवाईसी नहीं चाहिए, कोई टिपिकल फॉर्म नहीं भरना है, फिर भी पैन आपको मिल जाएगा, वो भी कुछ मिनटों में। तो क्या चाहिए? चाहिए तो आपको चाहिए वैलिड आधार नंबर, ओनली वैलिड आधार नंबर। लेकिन ध्यान रहे, ये आधार आपके मोबाइल के साथ लिंक होना चाहिए। तीसरी चीज, आपके पास अप्लाई करने की डेट पर कोई और पैन नंबर नहीं होना चाहिए। चौथी चीज, आप माइनर नहीं होने चाहिए। अगर आप ये चारों रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो कुछ ही क्लिक में आप पा सकते हैं घर बैठे पैन, बिना किसी फीस के, बिना किसी फीस के, बिल्कुल फ्री। तो सोच किस लिए रहे हैं, खोलिए अपना कंप्यूटर, उठाइए अपना मोबाइल और कुछ क्लिक में ही पाइए इंस्टेंट पैन। इंस्टेंट पैन अप्लाई करने के बाद आप इसे डाउनलोड कैसे कर पाएंगे? जैसे ही आप पैन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको अपना वैलिड आधार नंबर देना होगा। आधार नंबर डालते ही आपको सबमिट करना होगा कैप्चा कोड डालने के बाद, साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जिसे हम वन टाइम पासवर्ड कहते हैं आएगा। जैसे ही आप अपना OTP डालेंगे और अगर वो OTP सही है तो आपकी आधार में दी गई डिटेल वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो आपका आधार में नाम है, जो आधार में फादर नेम है, जो आधार पर एड्रेस है, सभी चीजें यहां पर अपडेट हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, आधार में आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आधार में केवल आपके जन्म का वर्ष लिखा हुआ है तो पहले आधार ठीक करा लीजिए, उसमें कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, तभी आप इंस्टेंट पैन की सुविधा का फायदा उठा पाएंगे। और जैसे ही आप इस डिटेल को वैलिडेट करेंगे बिना कोई और डॉक्यूमेंट दिए, 10 मिनट के अंदर आपका पैन आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे थ्रू SMS या थ्रू मेल इन PDF फॉर्म आ जाएगा। इंस्टेंट पैन को हम ई पैन भी कह रहे हैं। ई पैन इसी तरह से वैलिड होगा जैसे कि फिजिकल पैन होता था। फिजिकल पैन अगर आप चाहते हैं ई पैन के बाद, तो आपको किसी पैन सेंटर पे जाना होगा, वहां पर प्रेस्क्राइब्ड फीस पे करके फॉर्म 49A भरकर आप दोबारा से इसी नंबर पर दूसरा पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो सोच कह रहे हैं, अभी अप्लाई कीजिए इंस्टेंट पैन और पैन के कारण आने वाली समस्याओं से छुटकारा पाए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसी विनती के साथ मनोज लांबा का प्यार भरा नमस्कार।